सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान मुकद्दस, कुरान मजीद, और सबसे अच्छी हिदायत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, और सबसे अच्छा तरीका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका ये रहा है कि सहाबी किराम आपकी बारगाह में हाजिर होते, दीन की बातें पूछते और आप उनको दीन के बारे में अहकाम बतलाते, दीन की बातों से उन्हें आगाह करते। बल्कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सहाबे किराम ने सवाल करना छोड़ दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि पूछो, दीन की बातें तुम लोग जो चाहो मुझसे पूछो। और सहाबा को खौफ हुआ, डर लगा, तो अल्लाह ताला ने तायरे सिदरा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि वो आए, दीन की बातें पूछे ताकि लोगों को दीन के अहकाम मालूम हो जाए। तो ये तरीका रहा है हमारे और आपके प्यारे रसूल हादी आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए हम उसी तरीके हसना की रिवायत को जिंदा करें और एक बार